मैंने अपने इयररिंग्स वेयर कर लिए हैं, तो ज्वेलरी मेरी जो है वो फ्रॉम अमेजोन है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा इन केस अगर आपको चेकआउट करना हो। सो गाइज लुक एट माई फेस, बिल्कुल बेयर फेस हूँ मैं अभी। और जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हैं मेकअप से। सबसे पहले स्किन केयर के लिए सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, जस्ट हल्का सा आपको लेना है क्योंकि ये सस्ता आता है और 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से पूरे फेस पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसके साथ साथ नेक पर भी इस तरीके से। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो है गाइज वो मैंने घर पे ही बनाया था क्योंकि बाहर बहुत महंगा मिल रहा था। तो इस तरीके से मैंने पूरा ग्राइंड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल्का हल्का अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करना है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल से, बेसिकली क्या होता है एलोवेरा जेल से हमारे ओपन पोर्स ब्लर आउट हो जाते हैं। ये एज अ प्राइमर की तरह वर्क करता है, प्लस स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा चिपचिपा स्टिकी हो जाता है, लेकिन जब हम मेकअप करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लुक मेरा फेस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, स्किन केयर हो गया है, प्लस मेरा प्राइमर भी यहाँ पे लग गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पैलेट लिया है जो कि 50 रुपीज़ का, वो 80 रुपीज़ का इसे बोल रहे थे, बट मैंने बोल बोल के 50 रुपीज़ का लगवा लिया। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राई करके देखा पहले तो कि मेरी स्किन पे रिएक्ट ना कर जाए, बट अच्छा है और काफ़ी अच्छे से स्टे भी रहता है। इसमें कलर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सो मैं आपको बोलूँगी आप किसी भी मार्केट में जाओ और वो भी आपको कितना भी प्राइस बोले, थोड़ा सा बार्गेन कर लेना क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ फाउंडेशन। मुझे जो चीज़ बेस्ट लगी वो ये लगी कि इसमें आपको बहुत सारे कलर्स, कॉन्टोर शेड्स, हर चीज़ मिल जाएगी। इस वजह से मुझे काफ़ी पसंद आया। ओके, सो इस तरीके से आईलिड पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी। आफ्टर दैट अपनी फिंगर की हेल्प से इसे मैं इस तरीके से ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ। कवरेज की बात करें तो आपको इससे इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी, बट स्टिल अच्छे से वर्क कर रहा है। लुक इस तरीके से मैं इसे पूरे फेस पे एंड नेक पे, जो भी फेस पे आप अप्लाई करो उसको नेक पर ज़रूर कर लेना, अदरवाइज ना ऑकवर्ड लगता है बहुत कि नेक का कलर अलग और फेस का अलग, ठीक है। इस तरीके से मैंने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया। आफ्टर दैट एक लाइट शेड है, उसे कंसीलर की तरह मैं वर्क कर रही हूँ, लाइक इस तरीके। तो इसे मैंने इस तरीके से अंडर आई एरिया पे, हल्का सा ब्रिज ऑफ दी नोज पे और हल्का सा माउथ के अराउंड मैं इसको ले रही हूँ। आईज़ पे भी, आईलिड पे भी मैं इसको हल्का सा यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो हाइड हो जाए। एंड दो बारी के यूज़ में इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी मिली मुझे। तो आप मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, और इससे भी सस्ता आप मेकअप चैलेंज देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियोज़ बनाने में ना सीरियसली बताऊँ बहुत मज़ा आता है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि बहुत जने होते हैं जिनका बजट इतना नहीं होता, और कम बजट में भी यार हमारी हाथ की कला होती है, हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो इस को मैं फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस के साथ साथ नेक पर भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ब्लेंडर मुझे मिल रहा था वहाँ पर, वो थोड़ा सा मुझे ख़राब क्वालिटी का लग रहा था, दैट्स द रीज़न मैंने नहीं लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको आईलिड पर भी मैं सेट कर रही हूँ। पाउडर के लिए जो मेरे पास ऑप्शन है ना गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक मेरा थोड़ा सा कॉस्टली वाला है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉन्ड्स का 10-20 रुपए वाला आता है, एक्चुअली वो मुझे मिला नहीं कहीं भी। सो मेरे पास ये वाइट टोन का पाउडर है, ठीक है, ये मेरा करीबन 100 रुपीज़ का है। थोड़ी सी चीटिंग हो गई है बट है ना, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसकी जगह पॉन्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर इतना तो चलता है। ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कम प्राइस का मेकअप यूज़ कर रहे हो चाहे महंगा यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हो रखी ना तो मेकअप बेकार है बिल्कुल, ठीक है। फेस पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर ये वाला लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ गाइस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सो फेस को बेक कर रही हूँ बेसिकली इससे मैं, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको इसी ब्रश की हेल्प से इसको सेट करना स्टार्ट कर देना है। फेस के साथ साथ जो एक्सेस पाउडर है उसको नेक पर भी, जो आपने यू नो फाउंडेशन लगाया था उसको सेट कर लो।
सस्ता आप मेकअप हॉल वीडियो देखना चाहते हो लाइक जिसमें मैं बहुत ही कम प्राइस के प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं फाउंडेशन से लेके हर चीज, तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। सो यहाँ पर देखो मेरा फेस बिल्कुल जो स्टिकी स्टिकी लग रहा था बिल्कुल सही हो गया। पॉन्ड्स का जो पाउडर आता है ना वो भी बहुत अमेजिंग है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके गाइस, सो इसके बाद मेरा सामान गुम हो गया। तो इसके बाद मेरे पास है ये ADS की पेंसिल जो कि अगेन मैंने 10 रुपए की ली थी। तो इससे मेरे पास अभी मिरर नहीं है, सो मैं कैमरा की स्क्रीन पे ही देख के अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। ब्लैक कलर है तो आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है, जस्ट लाइटली आपको अपनी आईब्रोज को फिल करना है। तो अब पारी आती है कॉन्टोरिंग की, सो मैं इसी से हल्का सा ना कॉन्टोरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट हल्का हल्का मैं इसका शेड दूंगी। वैसे मेरी नोज़ काफ़ी शार्प है तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको ब्लेंड आउट करना जस्ट स्टार्ट मैंने कर दिया। साथ साथ आपको करना है अदरवाइज़ बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है पंगा पड़ जाएगा फिर। तो इस तरीके से एंड यहाँ से सेम इसी तरीके से यहाँ से, और एक लाइन हम हल्के से यहाँ जो लाइन पर क्रिएट कर रहे हैं। स्लाइटली सा आपको फोरहेड पर भी करना है। नोज को मुझे थोड़ा सा पाउडर से सेट करना पड़ेगा। सो गाइज लुक एट दैट, यहाँ पर मेरी कॉन्टोरिंग डन हो चुकी है। आफ्टर दैट यहाँ पर फॉर आईलाइनर मेरे पास एक ब्लू हेवन का आईलाइनर है जो कि मैंने अगेन पता नहीं 40-45 कुछ का लिया था। सो इसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। ओके गाइज लाइनर इज डन। इसके बाद में यहाँ पे ये लूज ग्लिटर यूज कर रही हूँ जो कि मैंने 20 रुपीज का लिया था, और इसको मैं लगा रही हूँ अपनी फिंगर टिप की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं ये जो आई मेकअप है बिल्कुल सिंपल सोबर सा रख रही हूँ इस तरीके से, सेंटर ऑफ माई लिड में यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। इस तरह के ग्लिटर्स आप भी लो तो बहुत मजेदार है, बहुत सही वाले स्टे करते हैं ये। और अमेजिंग चीज़ है इसके साथ ना आपको गम वम कुछ लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया मैंने सेंटर ऑफ लिड मैंने इसको लगा लिया है। ओके गाइस जो मेरा पैलेट था उसमें से ना मैंने एक सिल्वर सा शेड लिया है, उसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है अपने इनर कॉर्नर्स पे। लुक अफसोस यहाँ पर मेरे पास मस्कारा नहीं है, सो मस्कारा को हम साइड में करते हैं। और इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक, सो मेरे पास है ये ADS की अल्ट्रा क्रेमाइड लिपस्टिक। तो ये 20 रुपीज़ की थी क्योंकि ये मैंने अलग से पैलेट मंगाया था और उस सब चीज़ों के हिसाब से 20 रुपीज़ की एक पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगाना शुरू कर रही हूँ। तो भाई ये जो लिपस्टिक है ना ये है क्रीमी, इसको हमें अभी मैटिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पाउडर आपके पास है ना वो आपको लेना है, अपने फिंगर टिप पे इस तरीके से अप्लाई करना है एंड जस्ट अपने लिप्स पे इस तरीके से, बात नहीं करिए वरना पाउडर उड़ जाएगा। जो एक्सेस प्रोडक्ट था वो मैंने हटा दिया। एंड सी गाइस मेरे लिप्स हो चुके हैं बिल्कुल मैट, जो कि है ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सेम लिपस्टिक ले रही हूँ, मैंने हल्का सा हाथ पे इस तरीके से ले लिया है ठीक है, और इसको मैं लगा रही हूँ ब्लश के तरीके से। ओके गाइस सो लास्ट मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रीम लिपस्टिक लगाई है एज अ ब्लश, तो वो कभी मेरे मेकअप को ख़राब ना कर दे। तो मैंने अगेन लूज पाउडर लिया है और इसको मैं इस तरीके से अगेन मैं फेस को बेक कर रही हूँ इससे। ओके सो इसके बाद आपको क्या करना है, नेक पर भी लेना है और ब्लेंडिंग यहाँ पे शुरू कर देनी है आपको।